हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे बाल कहाँ से आ गए गाइस? आज सुबह सुबह जब मैं उठी ना, मेरे बाल बहुत ही गलत गंदी तरीके से ना फंसे हुए थे, और उसके पीछे का कारण पता चला। कृष्णा मैडम बहुत देर से मेरे बालों के साथ गोल 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 करके इसने मेरे बाल गंदी तरह फंसा दिए थे। कंघी करी तो इतने सारे बाल टूटे मेरे। देखो देखो देखो, फिर बाल पे आइए, देख रहे हो? अब मेरे बाल अगर उलझाए ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। याद रखिए, पिज्जा क्या खाए? रात को ये भी मैगी खा रही थी बना के। 24 घंटे जब भी देखो तो अकड़म बकड़म ही खाना है, और वैसे तो डाइटिंग पे है। चाची ने कब कहा डाइटिंग पे है? कब इसने बोला था? डाइटिंग में तो है ही, बोले मैं खाना नहीं खाऊंगी, पेट में गैस बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। छी, तुम मेरे व्लॉग में गैस जैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? जो रियलिटी उस पे रह रहा थी, गैस तुम्हारे पेट में, ऐसी बीमारियां तुम्हें पुअर लोगों को होती है, रिच लोगों को गैस वाली बीमारियां नहीं होती है, हमें बड़ी बड़ी होती है। वो गैस वाली, लीवर वाली, पेट वाली सब बीमारियां तुम्हें प्रेगनेंसी के बाद ये सारी बीमारियां तुम्हें लगे, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, ये सारी दर्द ही है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूँ हेल्दी खाओ, दाल खाओ, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ। ज्यादा बोल जाते हो। शादी से पहले या शादी के दो अगले दो साल तक मैं जो मांगती थी ना, रात में पिज्जा देर रात 2 बजे पिज्जा मांगती थी तो पिज्जा आता था। हर एक चीज आज क्या हो गया? आज मैं अगर 5 रुपए की मैगी मांग लूँ ना, मुझे पहले ये गंदी गंदी बातें, गैस क्या हो गया कि नहीं मिलता? कभी ओकेशनली खाना है, हर दूसरे दिन पिज्जा चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी तो और कौन मांगेगा? मुझे किसी तरह बताओ। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया? अरे तुम्हारा डॉक्टर, मैं नहीं मांगूंगी तो कौन मांगे? हां मेरे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, हां को कुछ नहीं है, डॉक्टर ने बोला दवाई दवाई लाके दे, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, दवाई लाके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को खिलाओगे? हां उसी को खिलाओगे। वो तो बहुत मोटी हो चुकी है। कौन मोटी हो चुकी है? कौन है वो? कुछ भी एक्स गर्लफ्रेंड, इन नौटंकी बात को बोल एक्स गर्लफ्रेंड कुछ नहीं, चाची क्या थी? मैं तो थी, मैं तो सीधा ही वाइफ बन गई। लेकिन मालूम मेरा एग्जाम था, कॉलेज डेज में मेरा एग्जाम था, और एक कॉलेज में थी मैं, सेकंड ईयर का एग्जाम था, अर्पिता मेरी फ्रेंड थी। तो उसी समय एक रात पहले क्या होता है, मैं चैट पढ़ती हूँ, चैट पढ़ती हूँ, ये किसी लड़की से बात बकवास कर रही है। बकवास ही सुनो अब तू, मेरी पिज्जा पे कमेंट कर रहे थे, एक लड़की इनको कमेंट कर रही है, तो नाम नहीं लूंगी किसी का, एक लड़की इनको कमेंट कर रही है, और मैं देखती हूँ कि ये आदमी भी कमेंट बैक कर रहा है, तो इसने कुछ गलत नहीं लिखा हुआ था भाई, कोई हेलो हाय कर रहा है, कोई बचपन का दोस्त आया, तो इसने भी नॉर्मल रिप्लाई किया। तो वो क्या लिखती है, याद है अनूप जी आपको, वो जब आप पुराने दोस्त ऐसे छेड़ रहे थे, हाथ कांप गए इनके, उसके बाद मेरे ब्रेकअप। अब मेरा था एग्जाम, मैंने तैयारी करी नहीं थी, अब मैं रोए जाऊँ एग्जाम दे भाई, टेंशन यहाँ भी थी कि अनूप ने मेरे को धोखा दिया है, टेंशन यहाँ क्योंकि मैं पढ़ाकू हुआ थी, टेंशन ये भी और टेंशन क्या लेती है जो मैं कलकत्ते में जब स्कूल लाइफ में था तब की बात ये तो उस लड़की ने स्कूल लाइफ के बाद तुम्हें कॉलेज लाइफ में क्यों कांटेक्ट किया? और मैं अपना एग्जाम दे रही हूँ भाभी, एग्जाम देते थे मेरे को रोना आ रहा है कि इसने धोखा दिया, दूसरा रोना आ रहा है, ऐसे ही काफी दिनों बाद मतलब बातचीत हो रही थी, उसकी शादी हो चुकी, दूसरा रोना आ रहा है कि मेरा तो एग्जाम में नंबर, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू थी, नंबर कम तो मुझे बर्दाश्त ही बाहर था। तो मैं अपनी फ्रेंड के आगे से वो तो देख रही थी कि उसको तरह से आ जाए, तुमको चीटिंग करा दी, चीटिंग कराई। उसके बाद मैं सीधा चली गई, हमारे कॉलेज से दूर एक नत्थूस था, वो मुझे लेकर गई, तो उसकी और इसकी सेटिंग थी, ये दोनों बात करके आई थी कि आकांक्षा को ले आई हूँ, तो मुझे लेकर गई पार्क में, ए झूठे पार्क में लेकर गई, फिर मुझसे सॉरी मांगने आया। फिर मैंने उसको बोला मुझे सच सच बताओ, तो उन्होंने बोला कि मैं जब स्कूल टाइम में था, 10th क्लास में था, तो ये लड़की और लड़की मुझे पसंद करती थी, ऐसे ऐसे था, और इसने भी कुछ टाइम पहले मुझे फेसबुक पे देखा, कांटेक्ट किया, उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसके तो 2 बच्चे भी, कांटेक्ट किया, और तो कांटेक्ट किया तो ठीक है, याद है अनु जी, तो पुरानी बातें हो जाती हैं, नहीं तो वही तो कैसी बातें होगी, कैसी कैसी बातें की बात, जब मैं फुटबॉल खेला करता था तो ये लोग सभी आके देखा करते थे,
उस दिन वाली बात, मैं फेवरेट प्लेयर था ना सबका, इसलिए सभी पसंद करते थे। बस यही बात थी कि फुटबॉल देखने जो मेरे रास्ते से चल, मैं मेरा घर जा रहा था ना, मेला मेला में घूमते थे सर, मेले में अरे तो सभी घूमते थे एक साथ। वो तो नॉर्मली मेले में क्या होता है, बच्चे क्या करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं। सच्चाई मैंने भाभी को बताई कुछ नहीं है, इनकी गर्लफ्रेंड थी 10th क्लास। सारे लोग जो स्कूल गोइंग बॉयज होते हैं, गर्ल्स होती हैं, वो तो मस्ती करने जाते हैं मेले में। अनूप जी कौन बोलता है, एक्सप्लेन मत करो, ये अभी बोल रही है। मुझे देखो ना, तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड, जैसे जैसी बड़ी हुई थोड़ा बॉयफ्रेंड बनाने की तरफ गई, ऐसे हाथ खींचा, गोल घुमाया, यही कमिटमेंट, यही शादी, खत्म, सब काम खत्म कर दिया मेरा तो एक पल में, चक्कर भी नहीं। मैं पहले ही मैंने बोल दिया कि पहले ही आए, जैसी लड़की थोड़ी जवान हुई, जैसी थोड़ा लड़की की तरफ ऐसे देखा, ऐसे आए, ऐसे गोल 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 घुमाया, यही बिठा दिया, यही कमिटेड, स्टैम्प, शादी बच्चा भी हो गया। नहीं तो हमारे भी किस्से होते, स्कूल में हम भी मेले में घूमे होते, हमें भी कोई फुटबॉल हम भी किसी को फुटबॉल खेलते हुए देखने जाते। मेरा भी सिर्फ एक ही रिलेशनशिप तुमसे रहा, कोई नहीं रहा। वो तो मैं मानूं, हमने एक मिसाल क्रिएट करी है कि प्यार किया तो डरना क्या, इसी से मुझसे शादी करोगी। हम दो हमारे हमारा एक ही काफी, एक ही 50 के बराबर है। सुबह मेरे बाल तो बात भी हो रही है, अभी जागी होगी। आज मम्मी पापा से फोन पे गांव पे कॉल पे लगी बातें बनाने। बाप रे, आप थे? मैं नींद में थी। अच्छा तुम भी थे? मैं नींद में थी, मैंने कहीं किससे बातें कर रही है। अभी मैं गाइस आपको ना क्लिप यहाँ पे शेयर करूंगी, आपको क्लिप देखना कि कैसे सुबह ना मम्मी पापा से गांव से फोन आया था, मतलब मेरे सास ससुर का, कैसे बातें कर रहे थे। अग्नि 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 कृष्णा को आप इतना प्यार देते हो, कृष्णा की कुछ क्लिप्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये देखो कृष्णा की मस्ती, पापा को गले लग गए। क्या हो गया, सबको डांट डांट के गोल क्यों घूम रही है कृष्णा? पापा गले लग गए। पापा को भी गले लग गए, डांट दो। कृष्णा ब्रो कोर्ट दोस्ती करेगी ही नहीं। बल्ले होता है, बल्ले क्या होता है? अरे भाई बैठ, देख के क्या हो गया, पानी पिला दे मेरे बच्चे को। बेटा चाटा पड़ जाएगा बेटा, एक बेटा अब बैठ जाएगी टिक के। सुन क्या हो गया, क्या हुआ, बस हो गया, काफी हो गया बेटा, काफी हो गया। इतना 13-14 मिनट की वीडियो ऐसी निकाल दूं मैं, यही निकाल देगी 13 मिनट। गाइस बलाई बलाई देख लो, आप तो कहती हो ना आधे आधे घंटे की वीडियो बनाया करो, ये देखो बताओ बेटा, पानी पी लो। अरे नशे में हो क्या, ये क्या है, पर पानी पिला दे पलक इसको। जरा सा झूम लू मैं, जरा सा घूम लू मैं, इधर आ तुझे पुच्ची करूंगा। कहाँ जा रही है बे,
मम्मा आ रहा है बेटा, मम्मा आ रहा है, पी लो थोड़ा सा, इसके बाद फिर करेंगे ना। आराम से। पसीने आ गए इसको, एसी में देखो ये हाल है इसका यार, भगवान। थोड़ा रेस्ट 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 मुंह में पानी है, नहीं भी रेस्ट 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 बस बस किशा रेस्ट 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 वेट काम डाउन बेबी काम डाउन प्लीज सिट डाउन। पानी पिला दिया और कह रहे काम डाउन, क्या हो गया भाई? कि बहुत 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 लकी हूँ कि अनूप जैसे हस्बैंड मुझे मिले हैं, और हम मस्ती करते रहते हैं, लेकिन सच्ची 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 ट्रूली ब्लेस्ड हूँ कि एक्चुअल में हम लोगों का कोई अफेयर रहा ही नहीं है। लोग बोलते हैं कुछ तो होगा पुराना आपका या इसका, बट लकीली कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, वन मैन वुमन और वन वुमन मैन वाला सिस्टम रहा है हमारा, और ऐसे ही रहेंगे। एक्चुअली लड़की जैसे ही बड़ी हो रही थी वैसे ही मैंने पसंद कर लिया, और वैसे ही बुक कर दिया एडवांस बुकिंग कर ली। लेकिन मैं अच्छा है, आपने चाहने वाले बहुत होंगे इनके, और है भी अभी भी जो भी दोस्त है बहुत इनके। चलो उस डिटेल में नहीं जाना है, बाकी गलत डिटेल में जा रहा है, लेकिन अच्छा है कि आपने बुक कर लिया, बिकॉज हस्बैंड अगर सपोर्टिव हो ना तो लाइफ बहुत आसान होती है। और बहुत से लोग कंसल्टेशन में ना बोलते हैं, पता है आपको, जब मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं तो बोलते हैं कि दीदी हम जीजू को देखते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जीजू जैसे हस्बैंड हमें चाहिए हैं। तो दिल ना मतलब सीना चौड़ा हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो बस यूँ ही प्यार बनाए रखो, कृषा के ऊपर हमेशा प्यार बनाए रखो। हाँ प्लीज़ खूब सारा प्यार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दो, और हम ऐसी फ़नी फ़नी रील्स और ये सब लेकर आ रहे हैं जिस पर आप बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत फ़नी फ़नी ला रहे हैं आपके लिए। तो आप फेसबुक के लिए आकांक्षा अनु व्लॉग्स और इंस्टाग्राम के लिए आकांक्षा अनु पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आज जो पिज़्ज़ा का किस्सा हुआ, आपको क्या लगता है कि एक बीवी ने एक पति से खाली पिज़्ज़ा मांगा तो उसमें ऐसा क्या गलत कर दिया? जी गलत तो है, लेकिन आप जब जी चाचा बिल्कुल गलत है। इन्हें पिज़्ज़ा खिलाना चाहिए, ये खिलाते नहीं है, तो चाची मैगी और बिस्किट नमकीन से अपना काम से। ग्रीन टी कौन पीता है? ग्रीन टी आप निकल जाइए यहाँ से। मैं आऊँ तो आ जाइए आप। आइए चाची ने क्या बताएगा वो, पिज्जा मांग के बच्चों को क्या पसंद है ये बताओ। मैगी पिज्जा ही पसंद, तुम वही लालच देती हो, तुमसे चिपकेंगे नहीं वो जानते हैं चाची सारा नहीं, ये रीजन नहीं है, वो भी चाहते हो सब तुम ही पूरा करोगे, फिर तुम भी बच्ची हो, वही खाना है भूखा। सो गाइस मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कृषा सो चुके हैं, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज आकांक्षा अनूप व्लॉग्स। मुझे नहाने जाना है, मैं नहाने जा रही हूं। छी तभी पानी खोलता हुआ है बहुत, टंकी में गए पानी ऐसा आ रहा है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है।